हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सुबह है, देखिए ये घर के बाहर का व्यू है मेरा, है ना? ये देखिए, और साफ सफाई हो गई है। सुबह का टाइम है, देखिए सब टाइम हो रहा है 6:30। मैं नहा ली हूँ, पूजा हो गई है, देखिए पूजा भी कर ली है मैंने, देखिए पूजा कर ली है। और आज बच्चे सुबह सुबह चले गए हैं घूमने रामनगर, तो आज मैं अकेली हूँ घर में। और इस कमरे की भी देखिए हो गई है सब। अब मैं बनाऊंगी नाश्ता। ये मैंने बेसन तैयार कर लिया है, घोल लिया है। इसे ऐसे बना दिया है मैंने कि जैसे क्या कहते हैं वो होता है, पकौड़ियों के घोल से थोड़ा पतला, पकौड़ियों के घोल से थोड़ा पतला है। और इसे मैं इसमें डाल दूंगी। इसमें डालने के बाद इसे थोड़ा चलाऊंगी, ठीक है? इसे फिर दिखाती हूँ मैं आपको ये कैसा हो जाएगा। देखिए ये इस तरह का हो गया है बेसन, इस तरह का हो गया है। और मैं इसमें लगा लिया है मैंने तेल, और मैं इसमें अब इसे जमा दूंगी बर्फी के पीस की तरह। ये इस तरह से मैंने जमा दिया है, और देखिए ये इसके इस तरह से पीस हो जाएंगे। इस तरह से ये डाल दी है। इसमें मैंने प्याज, और मैं लोहे की कढ़ाई में ही ज़्यादा बनाती हूँ। देखिए लोहे की कढ़ाई में ज़्यादा सही रहता है बनाना खाना, मुझे ऐसा लगता है। ये प्याज डाल दी है, इसमें राई डाल दी है मैंने। राई से बेसन अच्छा बनता है, और जब राई चटकने लगेगी तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालना है, बस हल्दी मिर्ची और सॉरी हल्दी नहीं, मिर्च धनिया और गरम मसाला डाल दूंगी बस। प्याज थोड़ी सी फूल जाएगी तो समझ लीजिए ये बिल्कुल सही बन गया, और बस तैयार हो जाएगा अब बेसन। और देखिए आप, बहुत टेस्टी लगता है खाने में। देखिए ये हो गया इस तरीके से बन के। अब प्याज को ज़्यादा भूनना नहीं है, बस हो गई है प्याज हमारी, राई चटकने लगी है। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ी चिली फ्लिक्स, थोड़ा धनिया, थोड़ी हींग। देखिए हींग मुझे बहुत पसंद है, ज़्यादातर चीज़ों में मैं हींग डालती हूँ। और इसमें मैंने नमक मिला दिया था थोड़ा सा नमक मैं इसमें और ऐड कर दूंगी बस। और इसे मैं इस तरीके से चला दूंगी। ये मैंने बनाया है आज चाय के साथ खाने के लिए, इस तरीके से बेसन का है ये। मैं नाश्ता बाजार का नहीं करती हूँ, बहुत कम मजबूरी में। और आज दोपहर के लिए मैं अपने इसकी सब्जी भी बनाएंगी, रसे की सब्जी बना दूंगी थोड़ी सी। आप इसकी रसे की सब्जी भी बना सकती हैं, रसे की सब्जी बहुत अच्छी बनती है इसकी। तो बस ये तैयार हो गया है मेरा नाश्ता, देखिए कितना अच्छा, थोड़ा सा रोका है, इसकी सब्जी बनाऊंगी मैं।